राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और वो देश को आगे ले जाएंगे। चोर को क्या, चोर की मां को मारो। ये कानून मंत्री है, इनकी ड्यूटी थी कि देश संविधान के तहत चलना चाहिए। अब ये राम के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं। अरे अर्जुन जी, आपके आगे भी राम लगता है और मेरे नाम के आगे भी राम लगता है। कि धर्म के नाम पर अगर ये वोट मांग रहे हैं तो ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पूरा देश जल रहा है और अर्जुन राम जी बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारा दे दिया है, मोदी तेरे से बेर नहीं, अर्जुन तेरी खेर नहीं। आज बीकानेर में विकास के नाम पर अर्जुन राम जी ने कहीं भी शिलालेख तक नहीं है। इस का चुनाव आया तो उससे पहले पुलवामा कांड हो गया, उसकी आज तक किसी तरह की जांच नहीं है। केजरीवाल को भी धमकियां मिल रही है। मैं चारों तरफ जहां भी घूम रहा हूँ, अर्जुन राम जी से एक ही शिकायत है कि वोट लेने के बाद कभी भी वापस गांव में जाके किसी के भी आंसू नहीं पहुंचे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोदी जी के नाम पर 3 बार तो ले चुके हैं और कितनी बार ले, लोग थक चुके हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, राम राम। मैं महादेव और आप सब रो स्वागत है झलको बीकानेर पर। आज आपने सागे जिका शख्सियत बैठा है ये कोई परिचय रा मोहताज गोनी। बात कर रहे हैं आप खाजूवाड़े सू, पहला रा विधायक रह चुकिया गोविंद राम जी मेघवाल, और हाल ही रमाई ने कांग्रेस आ रहे ऊपर भरोसा जतार जिको लोकसभा रो चुनाव आ रही हो भी रमाई ने MP पद्री जी की टिकट है बा ने दी है। तो आज आप गोविंद राम जी सागे बैठे हैं और आसू जानने की कोशिश करा ला कि आगे वो राजनीति रो सफर है जिको के हिसाब निकल और के ई बार जी की चुनाव री रणनीति है बात चल रही है। तो भी मुद्दे पर आज आप बातचीत करने वास्ते आज अड़ तक पहुंचे हैं और के कुछ बातें हैं जी की थाने बातचीत करके बताऊंगा। राम राम जी साहब। राम राम साहब। राम राम। लोकसभा का चुनाव आ गया है और मैं यहाँ जानने आ गया भाई, अब चुनाव की तैयारियां हैं जी की कहीं हिसाब चल रही है बार। देखिए, हमारी जो चुनाव की तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर हमने शुरू कर दी है। हमारा मुख्य कार्यालय बिश्नोई धर्मशाला में खुल चुका है। आप देख रहे हो कि मुझे जिस दिन टिकट मिली, मैं दूसरे ही दिन जयपुर से जैसे ही बीकानेर आया तो डूंगरगढ़ के अंदर आदरणीय मंगलाराम जी ने हमारा जबरदस्त स्वागत किया। जबरदस्त संख्या में कार्यकर्ता आए और उनमें एक पहली बार भारी उत्साह देखने को मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ अर्जुन राम जी जो 3 बार के MP हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन मैंने उनका कहीं स्वागत नाम का चीज नहीं देखी, क्योंकि उसका मुख्य कारण यह है कि अर्जुन राम जी 3 बार रह गए, लेकिन आज बीकानेर में विकास के नाम पर अर्जुन राम जी ने कहीं भी शिलालेख तक नहीं है। कहीं भी मैं गांव में जा रहा हूं, अर्जुन राम जी एक जगह ये बता दे कि मैंने मेरे कोटे से ये जो है भवन बनाया हो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको जो 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और 15 साल हो गए वो रुपए वो कहाँ खर्च रहे हैं, कि कहीं तो इनके शिलालेख होना चाहिए, कहीं भी इन्होंने शिलान्यास या शिलान्यास नहीं किया। दूसरा, गांव में मैं गया हूँ कुछ जगह, वहाँ ये सुनने में आ रहा है कि 15 साल में हमारे गाँव में तो वो आए ही नहीं, ये रिटायरमेंट हुए, उसके बाद लगातार ये दिल्ली में ही बैठे हैं। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रही है कि प्रजातंत्र के अंदर आदमी जब चुनाव जीतता है तो जनता को बड़े बड़े वायदे करता है। ये मैंने पहले नेता देखे हैं अर्जुन राम जी जो ना तो कहीं जा रहे हैं ना किसी से संपर्क है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि 3 बार जीत कैसे गए। अब की बार लोकसभा चुनाव लड़ने विशेष कोई मुद्दा है आपका, मतलब क्या नहीं वजह थे लड़ रहे चुनाव? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो राज कर रही है 2014 के बाद, तो पूरे देश में देखेंगे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। इन्होंने डेमोक्रेसी को बिल्कुल कमजोर कर दिया, हमारी संविधानिक संस्थाएं बेच दी, रेलवे, BSNL, एयरपोर्ट, इन्होंने GST लगा के व्यापार चौपट कर दिया, नोटबंदी करके पूरे देश को इन्होंने आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। आप अगर उसके बाद देखेंगे आगे तो आज देश के क्या हालात हैं, आप देख रहे हो कि इनके जो नज़दीकी के लोग हैं वो हमारे भारत के बैंकों को लूट करके लोन लेकर के विदेशों में जाके बस गए। बात तो हुई थी काला धन को लाने की, और हकीकत में यह है कि 30,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके चला गया जो कि गुजरात का है, 5,000 करोड़ रुपए ललित मोदी ले गया, 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या जी ले गए, 15,000 करोड़ रुपए मोइल चौकसी ले गया, और बहुत सारे लोग जो इनके नज़दीक थे वो बैंकों को लूट के चले गए हैं। अब एक तरफ किसान अगर KCC लेता है, किस्त नहीं भरते हैं तो हमारी कुड़की आ जाती है, दूसरी तरफ 1,000 करोड़ रुपए लेके चले गए
लेकिन इस नाम पर केंद्र सरकार के नेता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप उससे आगे बढ़ो, जब 19 का चुनाव आया तो उससे पहले पुलवामा कांड हो गया, उसकी आज तक किसी तरह की जांच नहीं हो रही। अभी आप देख रहे हो कि संसद में जो भी कोई बोलता है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इनके ऊपर कोई आरोप लगाता है, या तो इनके घर ईडी भेज देंगे, या इनकम टैक्स भेज देंगे, या झूठे मुकदमे लगाकर और उनको जेल में डालने की साजिश करेंगे। जैसे केजरीवाल को, जिन्होंने उनके जो है मंत्रियों को जेल में डाल रखा है, केजरीवाल को भी धमकियां मिल रही है। और तो और, जो गांधी परिवार है जिन्होंने इस देश के लिए सादत दी, आज ये राहुल जी गांधी जी पर 30 मुकदमे झूठे कर चुके हैं। ये अघोषित आपातकाल चल रहा है। राहुल गांधी जी ने यही बोला पार्लियामेंट में कि भी महंगाई बढ़ रही है, चाइना अंदर आ गया है, आप 56 इंची के सीने का दावा कर रहे हो, देश का रुपया गिर गया है, आज 83 रुपये के बराबर $1 हो गया है। नोटबंदी से जो आर्थिक मंदी आई उसके बारे में प्रश्न खड़ा हो करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि आप तो ये बता दो कि अडानी के खाते में जो पैसे हैं 20,000 करोड़ रुपए, वो किसके हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी जी का बजट है वहाँ। दूसरा, जो कोरोना के अंदर पीएम केयर एक रिलीफ फंड बनाया, वो फंड का हिसाब मांग रहे हैं। अभी देख रहे हो इलेक्ट्रिकल बोर्ड, ये पूछा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बताओ कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड में किस किस कंपनियों ने चंदा दिया। अब के बात खुल के आ रही है कि जिन कंपनियों ने इनको भारी चंदा दिया, वही कंपनियों के ऊपर जो इन्होंने पहले रेड मारी वहां पे, और रेड मारने के कारण भाजपा के अंदर भारी चंदा लिया गया। तो ये लोगों को टेररिज कर रहे हैं, पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इन्होंने अपने लोगों को बिठा दिया है, इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को बेचने का काम किया है। इसलिए जो 14 में बात हुई थी, अच्छे दिन आएंगे और महंगाई कम करेंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ को रोजगार देंगे, वो तो सारी बातें हवा होगी। इसलिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है, और ये साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन भर झूठ बोलते हैं। और जहां तक बीकानेर की बात है, दुख इस बात का है कि अर्जुन राम आज तक महंगाई के विरुद्ध अर्जुन राम जी एक भी शब्द नहीं बोले हैं। मैं चारों तरफ जहां भी घूम रहा हूं, अर्जुन राम जी से एक ही शिकायत है कि वोट लेने के बाद कभी भी वापस गांव में जाके किसी के भी आंसू नहीं पहुंचे। तो इस बात से भयंकर गुस्सा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भारत की जनता में भावुक है। इन्होंने अंधविश्वास में आके इनको वोट दे दिया कि भले आदमी है, लेकिन अब साबित हो रहा है कि अर्जुन राम जी एकदम नकारा साबित हो रहे हैं। इसलिए इनको टिकट मिले हुए 20 दिन हो गए, लेकिन आज भी मुख्य कार्यकर्ता नहीं जुड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी कार्यकर्ताओं की एक चयन होती है। आज अशोक गहलोत जी हमारे नेता हैं, आज हमारे सचिन जी नेता हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा नेता हैं, हम उनको क्रॉस करके ऊपर का पद नहीं मांगेंगे। अर्जुन राम जी वसुधरा जी को दरकिनार कर रहे हैं, अर्जुन राम जी राजेंद्र राठौड़ भी, वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनसे भी आगे चल रहे हैं। जितने गजेंद्र सिंह और है, सबसे आगे जाकर के कह रहे हैं मुख्यमंत्री मुझे बनाओ। अरे अर्जुन राम जी, आपने बीकानेर में कुछ काम ही नहीं किया है, और आप जो आज वसुंधरा जी का तो बेटा आज पार्लियामेंट बन रहा है 4th-5th बार, क्योंकि हो सकता है उन्होंने वहां काम किया हो, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। और बिना किए आप कैसे हिम्मत करते हो कि आप जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी की बात करते हो। 3 बार पहला सांसद रह चुका है, तुम्हारे सामने जी को थारो मुकाबलो है, वो क्या रहने वाला है? देखिए, जो राज में रहता है व्यक्ति, हम पावर में आए 13 से 18 वसुंधरा जी की सरकार थी जी, राज का परिवर्तन हुआ, अशोक गहलोत साहब की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी जी। उसी प्रकार अर्जुन राम जी के प्रति भयंकर आक्रोश है कि इन्होंने राज में रहते हुए एक साधारण 5 लाख का कहीं भवन तक नहीं दिया, अगर कहीं घोषणा भी कर दी वापस जाके नहीं देखा। इन्होंने एक बिकमपुर गांव गोद लिया था जी, उसको वापस जाके नहीं देखा जी। और अर्जुन राम जी भ्रष्टाचार की बातें करते हैं जी, कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाते हैं जी। अर्जुन राम जी आप जवाब दो कि कलेक्टर रहते हुए जी, आपने गलत आवंटन किया था सैनिकों की जमीन है, और आपने अपने चैतों को आवंटन कर दी थी, आपका SED में मुकदमा दर्ज हुआ, आज आपने राज के बल से हाईकोर्ट में स्टे ले रखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, कि उसके संबंध में आपका क्या कहना है? आप अपने गांव किसवीं देशर में बता दो कि आपने गांव में कुछ काम किया हो, क्योंकि हमारे को तो कुछ किया नहीं जी। अन्यथा दूसरी तरफ मैं हूं,
मैंने हर धर्म का इज्जत देने का काम किया है। मैंने बिश्नोई समाज को भी धर्मशालाएं दी है मेरे राज्य में, अंबेडकर भवन भी बनाए हैं, कॉलेज बनाने का काम हुआ है, पूगल में पंचायत समिति बनाने का काम हुआ है, पंचायतें देने का काम हुआ है, कैंप लगा के पट्टे देने का काम हुआ है। उसके अलावा जाके देखो खाजूवाला में कि पूरी की पूरी नहरें वो नहीं बन रही है। गडकरी जी ने बयान दिया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने कहा देश में गरीबी है, गरीब लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है, बहुत जगह अभी तक सड़कें नहीं हैं, लोगों को आपस में जो है लड़ा करके राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। यार एक तरफ अर्जुन राम जी आप हो, कहने को तो आप कह दो ऑपरेटर से आपका सफर हुआ, आप आईएएस बन गए, वो तो हो जाता है सिफारिश में कि आप भाभड़ा जी के नज़दीक रहे और उद्योग से एक आदमी को लेना था और आपको ले लिया और आप आईएएस बन गए। लेकिन देखिए अर्जुन राम जी, दो तरह की राजनीति होती है, एक नेता वो है जो पग चंपी करके ऊपर चला जाता है और एक नेता वो है जो किसान की, गरीब की, मजदूर की, कर्मचारी की, सबकी लड़ाई लड़के नेता बनता है। मतलब इस बार भी कहीं लाग रही है एक जगह मोदी जी लहर चल रही है, भी लहर रहे में अगर अर्जुन राम जी थारे से आगे निकल सके या फिर थे बने पछाड़ भी सके। देखिए बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारा दे दिया है, मोदी तेरे से बेर नहीं, अर्जुन तेरी खेर नहीं जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत पक्के होते हैं जी। उन्होंने पिछली बार नारा दिया था हाँ। कि मोदी जी से बेर नहीं, वसुंधरा जी की खैर नहीं, उनको हटा दिया जी। इस बार बीकानेर में नारा एक ही चल रहा है, हम हमेशा बीकानेर शहर में पूर्व पश्चिम में पीछे रहते हैं, पर मैं जब गया पश्चिम के अंदर, रात को मैंने होली की रम्मत देखी हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत आनंद लेते हैं, बहुत उनमें भाईचारा है, बहुत सहनशीलता है, आपस में इससे समानता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। ये इसे ऐसे फंक्शन भी करने चाहिए। फिर मैं कसाईवाड़ा गया, वहाँ हजारों मुसलमान बैठे हैं कि रात भर वो जगते हैं, फिर 5 बजे रोजा जो है खाना खा करके फिर वापस रोजे पे चले जाते हैं। ये अपना अपना एक भाईचारा है और अपने अपने समाज की व्यवस्था है। तो अर्जुन राम जी के ऊपर प्रत्येक वर्ग नाराज है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो तो हमसे ज्यादा नाराज है। वो ये कह रहा है आपने क्या दिया कि हम आपको वोट दें। आप मुझे बताओ कि भाजपा के कितने वरिष्ठ नेता थे जी, उनको दरकिनार करके, और ये लोग अर्जुन राम जी ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो बिल्कुल इनकी पगचंपी करते रहे। मैं पूछना चाहता हूं अर्जुन राम जी, हमारे पास तो 21 वोट थे, आपका भाजपा का उम्मीदवार लड़ रहा था जी, आपने 6 वोट जो है भाजपा को क्यों नहीं दिए अगर आप पार्टी की बात करते हो जी। और दूसरा, पूरे भारत में घूम लो आप, भाजपा का साफा पहन के कोई नहीं घूमता, ये मात्र एक व्यक्ति है जी। जो भाजपा का साफा पहन करके जनता को भ्रमित करके जी, अंधविश्वास में लाकर जी, और ये वोट प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने देखे इनके भजन, मैंने इनके साथ भजन गाए हैं, मैं जानता हूं, ये भी जानते हैं, लेकिन एक कड़ी कहेंगे कहीं खड़े हो जाएंगे। ये कड़ी इसलिए कहते हैं कि भी जनता भजनों में उलझी रहे और माल हम पीते रहे। तो कहीं कुछ लाग रहे इस बार अर्जुन राम जी रहे जी को नाम रहे आगे एक सिंबल लाग रही है मोदी जी रो, एक बार चेहरे पर बीच साइड में जाए जी को चुनाव चल रही है, तो कहीं कुछ लाग रही बराबर रो आंकड़ों बैठ सके। आप ठीक बात उठा रहे हो, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोदी जी के नाम पर 3 बार तो ले चुके हैं और कितनी बार लेंगे, लोग थक चुके हैं। दूसरा, एक बार तो हमने शंकर जी से को ला के लड़ा दिया गंगानगर से जी, कोई इनको जानते नहीं थे। पहला चुनाव इन्होंने 17,000 से जीता था, पिछला वाला चुनाव आप मोदी लहर में चला गया जी। अब मोदी लहर के नाम पर तो लोग वोट दे चुके हैं, पर अब की बार मिले, लेकिन इस बार लोग थक चुके हैं, इसीलिए तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी से बेर नहीं, अर्जुन तेरी खैर नहीं। और अगर जबकि मैं अर्जुन नहीं कहता, मैं अर्जुन राम जी कहता हूं, क्योंकि मेरे से सीनियर है जी। मैं किसी को भी जो है ना उससे सबसे नहीं बतलाता जी, ठीक है। मैं भी इज्जत करता था, ये शुरू शुरू में भजन गाते थे, भजन गाने चाहिए, लेकिन वो तो व्यक्तिगत रुचि है, मैं भी गाता हूं, लेकिन मैं बाजार में थोड़ी सुनाऊंगा, ये मेरी रुचि है, मैं सेवा करूं, उस टाइम भगवान का नाम लूं है। अब ये राम के नाम पे मूर्ख बना रहे, अरे अर्जुन जी आपके आगे भी राम लगता है और मेरे नाम के आगे भी राम लगता है। राम अनादिकाल से चल रहा है, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो छत्तीसगढ़ के अंदर रामलीला होती थी, हम देखते थे, रोल भी उसमें करते थे, लेकिन अब हम खाली राम के नाम पे वोट मांगे हैं, इसका मतलब हम कायर हैं जी। हम कुछ काम करा के लोगों को दिखा नहीं सकते, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हम गाँव में जाते हैं चौधरियों के, सबसे पहले राम राम करते हैं। तो आप बताओ कि आपने क्या राम का टेंडर भर दिया क्या? आप आज ही लाए हो क्या राम को?
राम तो अनादिकाल से चल रहा है जी, आप भी जानते हो। अच्छा ही है उसका नाम राम है, बुराई है उसका नाम रावण रखा है। हर साल दशहरा, हम पढ़ते थे छत्रगढ़ में उस टाइम भी दशहरे को जो है रावण को जलाया जाता था। तो क्या आप आज राम के नाम पे कर रहे हो, तो क्या अपने अंदर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी आत्मा नहीं बची क्या? मैं तो ये कहूंगा कि धर्म के नाम पर अगर ये वोट मांग रहे हैं तो ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। वोट है बार में जी की कमी हुई कांग्रेस की, तो कहीं लग रहा है कमी है जी की पूर्ति कर पाओगे? देखिए हमारे में से कुछ लोग जी बीजेपी के कार्यकर्ता ने उनको भ्रमित कर दिया जी। जैसे मेरे खाजूवाला है, दो तहसील अनूपगढ़ में चली गई थी जी। मैं वापस भी ले आया, पर जनता ने यह कहा कि हमें धरने पे बैठना पड़ गया जी। तो मैं मानता हूँ कि जनता की नाराजगी तीर हटाती है, लेकिन अब वापस आ गए वो, क्योंकि मैंने तो वापस तहसीलें कर दी। मां एक कर कहे कि माने एकर थाने पूर्व बनाना है, बना जी, दिया जी। अब वो कह रहे हैं माने तो अर्जुन जी ने पूर्व बनाना है, कि आपने तो खूब काम किया इसलिए हम वापस वोट देंगे। और अर्जुन जी को पूर्व इसलिए बनाएंगे कि इन्होंने प्रजातंत्र की मखोल उड़ा दी। आज तक पार्लियामेंट में एक स्पीच बताए अर्जुन राम जी जो जनता के लिए बोले हों, बीकानेर के लिए बोले हों, पूरे भारत के अंदर कहीं अत्याचार हो रहे हों किसी के ऊपर भी, एक शब्द नहीं बोलते। इसलिए बीकानेर की जनता एक तरफा है और अर्जुन राम एक तरफ है, और उसका प्रमाण है कि अकेले ही घूम रहे हैं, अभी तक कार्यकर्ता नहीं जुड़ रहे हैं। थारा जी को करोड़ों विकास है वो इस बार वोटर रूप में थाने गिफ्ट मिल सके। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैं बीकानेर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने खाजूवाला में सेवा की, मैंने नोखा में सेवा की, अगर हमने विकास किए हैं तो हमें वोट दो। और ये जो ऐसे लोग मात्र 60 साल के बाद राजनीति शुरू करने वाले लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था 60 साल तक जी। मैं मानता हूँ कर्मचारी रहते हुए भी लोग नेतागिरी करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, अधिकारियों से अपना अधिकार मांगते हैं। अर्जुन राम जी ने तो कभी कुछ किया ही नहीं, फिर आज ये किस आधार पर जो है वोट मांग रहे हैं? सच्चाई तो ये कि उनको वोट मांगने जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रजातंत्र है इसलिए इनको तीन बार पहले ताबे लग गई, मौका मिल गया, इसलिए जो है ये कानून राज्य मंत्री बन गए। लेकिन इतने बड़े मंत्री बनकर के उपलब्धि तो बताओ। जब मीडिया ने पूछा कि अर्जुन राम जी आप अपनी उपलब्धि बताओ, तो ये मोदी जी के काम गिनाने लग गए, 370 कभी राम मंदिर, अरे ये मंदिर का ताला तो राजीव गांधी जी ने खोला था जी। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आप काय का सरे ले रहे हो, क्यों उसमें राजनीति कर रहे हो? मुसलमान है मेरे साथ, हमारे मिलासी जाति के लोग आज सारे के सारे भजन गाते हैं, हमारे धर्म के भजन गाते हैं, कहीं भी चले जाओ आप लोग। कभी ये गाय का नाम लेते हैं, अरे भाई मोदी जी आज बीफ का निर्यात सबसे ज्यादा हो रहा है जी। और चलाने वाले आपके ही लोग हैं, ये कबीर के नाम पे, पता नहीं किस किस के नाम पे कत्ल खाने चल रहे हैं। तो अगर आप गाय की बात कर रहे हो तो कत्ल खाने तो बंद करा दो। ये मैं नहीं, ये शंकराचार्य जी ने कहा है, शंकराचार्य जी ने कहा है कि मोदी झूठ बोल रहा है, आप कत्ल खाने बंद कराओ, क्यों नहीं करवा रहे? चारों शंकराचार्यों ने कहा कि राम मंदिर का जो पूजन है वो शंकराचार्य को करना चाहिए, उनसे नहीं करवाया, ये खुद कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा पत्नी साथ होनी चाहिए, पत्नी भी साथ नहीं थी जी। लेकिन इन चीजों में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इन पे समाज चिंतन करेगा जी, धार्मिक लोग चिंतन करेंगे जी। लेकिन अर्जुन राम जी को ये पूछो कि जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ जी, तो जो राष्ट्रपति है मुर्मू उसको क्यों नहीं ले गए? जो राम मंदिर जी का उद्घाटन हुआ मंदिर का, उसमें मुर्मू को राष्ट्रपति को क्यों नहीं ले गए? आप क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए, आप हमेशा मोदी जी के पीछे रहते हो। तो इस देश में सवाल बहुत तरह के हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करके मुख्य मुद्दे की बात कह रहा हूं कि इस बार बीकानेर की जनता मन बना चुकी है, क्योंकि संविधान जल रहा था, अर्जुन राम चुप बैठा था, वो कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था उनका सम्राट, वही हालत है, पूरा देश जल रहा है, बेरोजगारी, नोटबंदी, पुलवामा, किसानों पे लाठियां, महिलाओं से रेप, पूरा देश जल रहा है और अर्जुन राम जी बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। इस बार बीकानेर की जनता अर्जुन राम जी की बांसुरी बंद करेगी और कांग्रेस को जिताएगी। और मैं अपील करता हूं बीकानेर की जनता से, आपने इसको तीन बार भेजा है, मुझे एक बार भेजो, मैं आपकी आवाज बनके संसद में बोलूंगा। बीकानेर की जिले की जितने भी केंद्र संबंधी समस्या है उनको जबरदस्त तरीके से हम लोग उठाएंगे। और जो ये भजनलाल जी की सरकार चल रही है,
हरभजन लाल जी को आपने देखा ही, वो तो नरेंद्र मोदी जी को ही श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। मेरी लड़ाई अभी मात्र अर्जुन राम से है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि इस चुनाव में हमें एक बार भेजो, हम तीन बार नहीं मांगेंगे अर्जुन राम जी की तरह, एक बार भेजो। अगर हम बीकानेर के लिए कुछ कर पाएं तो फिर अगली बार वोट मांगेंगे, अन्यथा फिर हम लोग जो है इस तरह से आकर के झूठे वायदे नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और चिड़ी के दौरे अर्जुन राम जी की तरह नहीं दिखाएंगे, और हम हमारे काम के आधार पर वोट मांगेंगे। ये मेरा निवेदन, इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस को आप पूरे देश में इंडिया गवर्नमेंट बनाओ, ताकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और वो देश को आगे ले जाएंगे। तो आज आप विशेष बातचीत करी गोविंद राम जी मेघवाल के साथ, पूरी बातचीत सुनने बाद में आप सबरा कहीं कुछ विचार है, विचार थे माने कमेंट में जरूर जरूर बतावाला। सागे सागे ये लोकसभा चुनाव रे मायने के कुछ रणनीति ही जी की सुनने और समझने रे बाद रे मायने के कुछ लाग रही है कि बार कौन सा उम्मीदवार आगे निकल सके, बार आए थे माने कमेंट में बतावता रिया। और सागे सागे अपनों झलको बीकाने रहने सब्सक्राइब कर लिया, साइड में बेल आइकन बटन दे दो प्रेस कर लिया, और सागे सागे अपनों फेसबुक पर पेज है तो बिना फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिया। राम राम, सब मिला एक और नए वीडियो सागे।